हेलो गाइस, आज हम बनाएंगे आलू पालक की सब्जी जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे एक बार बनाइएगा और बनाकर खाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये सब्जी। चलिए, हमें बनाने के लिए सब्जी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। ये देखिए, हमने पंचफोरन ले लिया है 1 छोटा चम्मच, एक टमाटर ले लिया है उसको काट लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, एक प्याज उसको काट लिया है, 2 हरी मिर्च, एक बड़ा आलू है उसको काट लिया है। और ये देखिए, पालक को अच्छे से हमने काट कर धुल लिया है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में हम सरसों का तेल डाल देंगे। कि 2 बड़ा चम्मच हमने सरसों का तेल ले लिया है। तेल को अच्छे से गरम कर लिया। देखिए, तेल गरम हो चुका है, इसमें हम पंचफोरन डाल देंगे। उसके बाद हरी मिर्च, उसके बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को अच्छे से चला लेंगे। थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद टमाटर डाल देंगे। टमाटर फ्राई हो गया है, इसमें आलू डाल देंगे। अब हम इसे 1 मिनट के लिए ढक देंगे। देखिए, आलू फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम मसाले डालेंगे। देखिए, 1 चम्मच सब्जी मसाला, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 4 स्वाद अनुसार नमक, 1/4 चम्मच अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मसाले को पकने के लिए 5 मिनट के लिए इसे ढक देंगे। ये देखिए, मसाला कितने अच्छे से भून गया है। अब इसमें हम पालक डाल देंगे। सारे पालक को डाल देंगे। ये देखिए, हमने पालक डाल दिया है। अब इसे हम 5-10 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि ये पानी अच्छे से छोड़ दे। ये देखिए गाइस, सब्जी हमारी बन चुकी है और इसका कलर देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी हमारी आज की रेसिपी।